जय हिंद गाइस, आज लेकर आया हूँ एक ऐसी कंपनी जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है और इन्वेस्टर को अपने लगातार मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया गाइस। वही प्राइस की बात करेंगे, 27 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस है जो कि इसका काफी ज्यादा प्राइस था गाइस, लेकिन इस फ्लाइट देने के कारण प्राइस कम हो गया है। कंपनी का नाम है वोल्टाज लिमिटेड और इस कंपनी काफी अच्छा बिजनेस है जो कि इसके बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स है गाइस, क्योंकि ऐसा काम ही है इस कंपनी का, जो कि एक प्रकार की एडटेक कंपनी है गाइस, जो कि एडवर्टाइजिंग का पूरा काम करती है, जो कि डिजिटल मार्केट्स, विज्ञापन और डिजिटल मीडिया से संबंधित काम करती है और ये डेटा भी संचालित करती है कंपनी। तो कंपनी के यहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस है जो कि डिजिटल पर संबंधित काम करती है कंपनी और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है गाइस आने वाले समय में, जिसके कारण इसका बिजनेस हमेशा ग्रो होता रहेगा गाइस और इसी प्रकार अपने इन्वेस्टर को मल्टी वेग रिटर्न भी बनाकर देता रहेगा। और मार्केट कैप है 2346 करोड़ का, तो गाइस यह भी छोटी कंपनी फिलहाल और इसको काफ़ी स्पेस है बड़ी कंपनी बनने के लिए, जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पर बिजनेस कर रही है गाइस। 45.2 का हाई लगा था, जो लगा था 14.2 का। स्टॉक अभी 124 का गाइस, लेकिन इंडस्ट्री पे देखेंगे तो यहाँ पर 38.5 का, उस हिसाब से स्टॉक महंगा नजर आ रहा है और बुक वैल्यू 1.83 का है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर पे आउट नहीं करती है, 1 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है, क्योंकि कंपनी ने अभी वर्तमान में ही इस फ्लाइट दिया था अपने शेयर को, इस कारण फेस वैल्यू 1 की है। ROC एंड ROE भी कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 199 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करती है और यहाँ पर जो कि कर्ज है कंपनी में 70.1 करोड़ का गाइस कर्ज है मात्र, जबकि कंपनी में रिजर्व पड़ा हुआ 112 करोड़ का, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है गाइस। प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 64.5% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर ने यहाँ पर कोई भी अपने शेयरों को गिरवी नहीं रखा, यही कारण है कि इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। और वही FIS की बात करने गए तो 11.4% की FIS की होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर, DIS के यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। और वही कंपनी का जो कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं 88 और 43 का है। और पब्लिक की होल्डिंग 24.1% की है मात्र गाइस, क्योंकि इस छोटी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। कंपनी में वैल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, जिससे पता चलता है गाइस कि इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वही प्रॉफिट लास्ट में गाइस, अगर कंपनी का सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, यही कारण है कि अपने इन्वेस्टर को पैसा भी कंपनी यहाँ पर मल्टी वेगर बना बना कर दे रही है। देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कंपनी का जो सेल्स अगले साल बढ़कर न आया हो। देख सकते हैं यहाँ पर 20 फिर 37, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम आया था, इसके बाद देख सकते हैं 83 फिर 155 199, तो लगातार ये 3 साल से कंपनी अपने सेल्स को ओवरऑल इंक्रीज कर रही है गाइस। और वही नेट प्रॉफिट बात करें गाइस, देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि पहले 3, 6, 7 अभी वर्तमान में 16, 20 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अच्छा खासा। वही रिटर्न की बात करें गाइस, जैसे मैंने बताया कि अपनी इन्वेस्टर को लगातार मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे रहे गाइस, तो 5 ईयर में देख सकते हैं 46% का CAGR का रिटर्न बनाकर दिया, फिर 3 ईयर में 77% का, उससे ज़्यादा बनाकर दिया, फिर 1 ईयर में 87% का, उससे भी ज़्यादा बनाकर दिया, तो आने वाले समय में ऐसा रिटर्न और भी बनाकर देने की पोटेंशियल है इस कंपनी में। वही देख सकते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि लास्ट साल का ठीक ठाक आया है, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी के यहाँ पर ठीक ठाक आया है गाइस। और बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंस शीट कंपनी के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में यहाँ पर रिजर्व अच्छा खासा पड़ा हुआ है जो कि कर्ज कंपनी में कम है। वही कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस, तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है जो कि प्रमोटर ने यहाँ पर इंक्रीज किया गाइस। अब प्रमोटर को किसी भी कंपनी में इंक्रीज करना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है गाइस, क्योंकि प्रमोटर ही कंपनी के बारे में जानते हैं सब कुछ और अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं कि उनकी कंपनी आगे क्या ग्रो करने वाली है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के यहाँ पर 48.96% की होल्डिंग थी जो कि प्रमोटर ने यहाँ पर बेचकर काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन प्रमोटर ने फिर से यहाँ पर 64.47% की होल्डिंग बना लिया। इसका मतलब कि कंपनी में कुछ ना कुछ इसको अपॉर्चुनिटी दिखी है या बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिखी है, तभी ये अपने शेयर को खुद खरीदा गया। जबकि यहाँ पर FIS का देख सकते हैं जो होल्डिंग पहले बहुत कम थी यहाँ पर, फिर FIS ने यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज कर लिया था, फिर यहाँ पर अभी वर्तमान में जो कि 11.41% की होल्डिंग है, जो कि FIS ने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास जो पहले होल्डिंग थी 43.89% की, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है सीधे तौर पर, पब्लिक के पास बचा है 24.11% की होल्डिंग। तो गाइस यह कंपनी जो कि फ्यूचर बिजनेस पर काम कर रही है और मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी का काम ही ऐसा है, जो कंपनी एडटेक कंपनी है जिसकी डिमांड हर एक कंपनियों को आती है। तो गाइस इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च जरूर कर लें, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, धन्यवाद।